गार्नियर्स का ब्लैक नेचुरल कलर हेयर कलर है ये. सो इसमें मेरा शेड जो मैंने परचेज किया है वो है नेचुरल ब्राउन. 37 रुपीज का पैकेट है ये सिर्फ. सकते इसमें ऑयल एनरिच्ड क्रीम कलर नेचुरल कलर रिजल्ट है, प्रूवन है, नो अमोनिया है और 100% ग्रे कवरेज देगा. वर्क इन 15 मिनट्स, लास्ट फॉर 6 वीक्स. सो अंदर आपको इस तरीके का लिफलेट मिल जाता है जिसमें आपको सारी डिटेल्स दी गई होती है कि आपको कलर कैसे करना है, कितनी देर तक करना है, एंड इसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिटेल्स मिल जाएगी. उसके बाद आपको इस तरीके के दो पैकेट्स मिलते हैं. सो एक कलर इंच होता है एंड दूसरा डेवलपर होता है, एंड इन दोनों को आपको इक्वल रेशियो में मिक्स करना होता है. सो मिक्स आप हमेशा या तो कांच के बाउल में करिए या प्लास्टिक के बाउल में. तो सैशे पे आपको यहाँ पर ये कटिंग का मार्क दे रखा है, सो यहाँ से आपको इसे कट कर लेना है. के बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये डेवलपर. के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश. सो अब कलर करना स्टार्ट करते हैं. सो मैंने अपने हेयर्स को इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, ईयर टू ईयर पार्टीशन किया है बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा ग्रे हेयर्स यहीं पर है. सो इस तरीके से कोम करने के बाद मैं सेक्शन बाय सेक्शन लूँगी. जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैं कोम की हेल्प से सेक्शन निकालती हूँ एंड ईयर से स्टार्ट करती हूँ एंड वहाँ पर मैं हेयर कलर को अप्लाई करती रहती हूँ. ऐसे ही करते करते मैं अपने हेयर के स्कैल्प की तरफ बढ़ती रहूँगी. सो बहुत ईजी तरीका है एंड इस तरीके से यू नो आपके कोई भी हेयर्स रह नहीं जाते, छूट नहीं जाते एंड आप हेयर कलर अच्छे से कर पाते हो. सो अगर आप भी अपने घर पे हेयर कलर करते हो तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है हेयर कलर करने की, जिससे आपका अच्छे से हेयर कलर पूरे हेयर्स में हो जाएगा एंड अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इसका. पे अच्छे से कलर करने के बाद मैं कलर को 15 मिनट्स के लिए रहने दूंगी अपने हेयर्स पे एंड उसके बाद हेयर वॉश कर लूंगी. सो हेयर वॉश के लिए आप नॉर्मल वाटर लीजिए, उससे कलर को पहले अच्छे से निकाल लीजिए अपने पूरे हेयर्स में से एंड उसके बाद आप सिर्फ कंडीशनर अप्लाई करिए, जो भी कंडीशनर आप यूज करते हैं. जिस दिन आप हेयर कलर करते हैं उसी दिन आपको शैम्पू नहीं यूज करना है, अदरवाइज आपका हेयर कलर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा. सो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी दिन आप हेयर कलर करते हैं आपको सिर्फ कंडीशनर यूज करना है. हेयर कलर के बाद अब मैं अपने हेयर्स को इस तरीके से बैक कोम कर रही हूँ ताकि हेयर्स मेरे सारे पीछे चले जाए एंड जो भी एक्स्ट्रा कलर मेरे फेस पे होता है उसे मैं पानी की हेल्प से रिमूव कर लूंगी एंड उसके बाद पीछे की तरफ मैं बर्न बना लूंगी, पूरे हेयर्स को पैक कर लूंगी. एंड उसके बाद अगर थोड़ा बहुत हेयर कलर आपको कहीं दिखता है कि रह गया आपके फेस पे तो उसे आप एक कपड़े की हेल्प से निकाल लीजिए, क्लीन कर लीजिए. तो देख लीजिए गाइज, ये है हेयर कलर का रिजल्ट एंड मुझे रिजल्ट पसंद आया है. देखिए एज अ हेयर कलर तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन एक जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई वो ये है कि मेरे हेयर्स ब्राउन थे बिकॉज मैं ब्राउन कलर करती थी एंड ये भी मैंने ब्राउन ही चूज़ किया था, बट पता नहीं क्यों ये मेरे हेयर्स पे पूरा ब्लैक हो चुका है एंड मेरे हेयर कलर कम्प्लीट ब्लैक हो गया है. सो एज सच मुझे इतने ज़्यादा ब्लैक हेयर्स की आदत नहीं है तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अदरवाइज इसने कलर बहुत अच्छे से किया है. जो भी यूँ मतलब यहाँ पे ग्रे हेयर्स थे बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं एंड हेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कलर्ड हो चुके हैं. तो ये हेयर कलर आपके हेयर्स में आराम से 6 वीक तक रहेंगे एंड ये मैं इस वजह से इतना श्योर होके कह पा रही हूँ बिकॉज मेरे घर पे सभी इसी हेयर कलर को यूज करते हैं, लाइक मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सभी इसी हेयर कलर को यूज करते हैं एंड उनको ये हेयर कलर बहुत पसंद है, इसके रिजल्ट बहुत पसंद है एंड इसीलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी इसे ट्राई करती हूँ एक बार. लेकिन मैं ऑब्वियसली इसे दूसरी बार यूज नहीं करूंगी बिकॉज मुझे इतने ब्लैक हेयर्स पसंद नहीं है. मेरे थोड़े से ब्राउनिश हेयर थे जो कम्प्लीटली अब ब्लैक हो चुके हैं, बट एनीवेज ये हेयर कलर जैसे ही डल हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो शायद मेरे हेयर्स अगेन मेरे नेचुरल कलर में आ जाएंगे, ब्राउन कलर में आ जाएंगे. नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मैं अगेन अपने हेयर्स को थोड़ा सा न्यू लुक ज़रूर से दूंगी. सो येस गाइज, यही था आज का वीडियो. आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा प्रोडक्ट का एंड प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको अच्छे लगे होंगे. सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. सो आज के वीडियो को मैं करती हूँ यहीं खत्म, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइज.